हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम यूनिट टू रीडिंग सी पढ़ेंगे। अशोक राठौड़ फुटबॉल ओस्कर। अशोक राठौर का फुटबॉल ओस्कर, ठीक है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इट्स अर्ली मॉर्निंग ऑन अ संडे एंड एन एक्साइटेड ग्रुप ऑफ बॉयज प्ले फुटबॉल इन द बैक गार्डन, अ लार्ज ग्राउंड इन कोलाबा, साउथ मुंबई। बॉथ teams are wearing colorful jerseys printed with logos that say Oscar Education with a kick. It's early morning, सुबह का समय। On a Sunday, रविवार का सुबह का समय। And or an excited group of boys, excited means उत्साही, और लड़कों का एक उत्साही समूह। प्ले खेल रहा फुटबॉल का खेल। इन द बैक गार्डन पीछे के बगीचे में। अ लार्ज ग्राउंड इन कोलाबा, लार्ज ग्राउंड बड़ा मैदान। साउथ मुंबई के बड़े से मैदान, कोलाबा के बड़े से मैदान में। रविवार का सुबह लड़कों का एक समूह क्या खेल रहा, फुटबॉल का खेल रहा, ठीक है। बोथ टीम्स, दो टीम खेल रहे हैं। बोथ टीम्स, दोनों दलों, आर हैं वेयरिंग पहने हुए, दोनों दल के लड़के पहने हुए हैं कलरफुल रंगीन जर्सी, ठीक है। प्रिंटेड विथ लोगोस दैट से, और उनके जर्सी पर लोगो छपा हुआ है, और लोगो में क्या लिखा हुआ है, ऑस्कर एजुकेशन विथ अ किक। एक किक लात मारते हुए एक चित्र है, ठीक है, और उसके साथ लिखा हुआ है ऑस्कर एजुकेशन, ऑस्कर शिक्षा। आया समझ में। रविवार का सुबह का समय था, लड़कों का एक समूह साउथ मुंबई के कोलाबा के बड़े मैदान में, बगीचे पीछे वाले बगीचे में फुटबॉल खेल रहा, ठीक है। और दोनों दल के जो लड़के हैं वो रंगीन जर्सी पहने हुए हैं, और उनके जर्सी पर एक लोगो छपा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ऑस्कर एजुकेशन, ठीक है, एक किक के साथ है। आगे देखिए। A23 अशोक राठौर शॉर्ट एंड कर्ली हेयर इज द ओल्डेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, अनलाइक द others he is also yelling instructions on how to kick or pass and egging the others on. Ashok isn't just playing for his team, nor is he the fastest or the most skillful footballer here, yet the boys in both teams follow his lead and take directions from him. A 23 23 वर्ष का अशोक राठौर शॉर्ट मीन्स छोटे कद, एंड करली घुंघराले हेयर बाल वाले, छोटे कद वाले और घुंघराले बाल वाले, इज द ओल्डेस्ट ऑफ द प्लेयर खिलाड़ियों में सबसे बड़ा, अनलाइक मीन्स भिन्न, द अदर्स दूसरों से अलग, दूसरों से भिन्न। ही इज ऑल्सो वह भी, येलिंग चिल्लाना या कौशन देना, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस निर्देश, ऑन हाउ टू किक कैसे गेंद को किक करना है, मारना है, और पास कैसे पास करना है। एंड एंगिंग ऑन मीन्स प्रोत्साहन देना, टू द अदर्स दूसरों को। ऑन अशोक इजंट जस्ट प्लेइंग फॉर हिज टीम, अपने जो दल के क्या हैं, खिलाड़ी हैं, खेलने वाले हैं, उनको क्या करते हैं, प्रोत्साहन देते हुए, ठीक है, तेज आवाज में निर्देश देता है कि गेंद को कैसे मारना है, और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते हुए गेंद को कैसे अपने साथी को देना है, कैसे गेंद पास करना है, ठीक है। जो अशोक राठौर है
वो कैसा है? छोटे कद वाला, 23 वर्षीय, छोटे कद वाला और कर्ली हेयर, घुंघराले बाल वाला, जो सभी खिलाड़ियों में क्या है, सबसे बड़ा है। और वो खिलाड़ियों को तेज आवाज में निर्देश देता है। क्या सिखाता है? गेंद को कैसे मारना है और दूसरे खिलाड़ियों तक कैसे पास करना है। ठीक है। नॉर इज ही द फास्टेस्ट, फास्टेस्ट मीन्स सबसे तेज खेलने वाला, ना तो वो बहुत ही तेज खेलने वाला है, और द मोस्ट स्किलफुल फुटबॉलर, स्किलफुल मीन्स चतुराई, ठीक है, और ना ही वो चतुराई पूर्वक खेलने वाला एक खिलाड़ी है। येट फिर भी द बॉयज इन द इन बॉथ टीम्स, फिर भी दोनों दल के बॉयज लड़के फॉलो अनुसरण करते हैं हिज लीड, हिज लीड उसके मार्ग का, वो जो निर्देश देता है उसका अनुसरण करते हैं। एंड टेक डायरेक्शंस फ्रॉम हिम, डायरेक्शंस मीन्स दिशा निर्देश देना, फ्रॉम हिम उससे, और वे जो बॉयज हैं वो क्या करते हैं, उससे निर्देश लेते हैं। ठीक है। वो ना तो एक अच्छा खिलाड़ी है अशोक, और ना ही चतुराई से खेलने वाला खिलाड़ी है, फिर भी दोनों दल के जो लड़के हैं वे क्या करते हैं, उसके नियम और वो जो डायरेक्शंस देता है उसका अनुसरण करते हैं। टुडेज फर्स्ट गोल स्कोरर इन इज अनिल चौहान। टुडे आज का फर्स्ट पहला गोल करने वाला कौन है? अनिल चौहान है। टॉल एंड वेल बिल्ट ही इज फ्रॉम नियर बाई अम्बेडकर नगर, अ स्प्रॉलिंग स्लम कॉलोनी ऑफ अबाउट 12,000 पीपल। आज का पहला गोल करने वाला अनिल चौहान है। टॉल लंबा एंड वेल बिल्ट, वेल बिल्ट मीन्स सुडौल शरीर वाला, गोल मटोल। ही इज फ्रॉम नियर बाई अम्बेडकर, अम्बेडकर नगर के पास, अ स्प्रॉलिंग स्लम, स्प्रॉलिंग मीन्स फैली हुई, स्लम नीचे की कॉलोनी, अंबेडकर नगर के पास जो फैली हुई नीचे की बस्ती है, जहाँ 12,000 पीपल, जहाँ लगभग 1200 लोग रहते हैं, वहाँ से है। ठीक है। कौन? अनिल चौहान। अनिल हैड लाइक मैनी पुअर अर्बन किड्स ड्रॉप्ड आउट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग। अनिल हैड लाइक मैनी पुअर, मैनी मीन्स कई, पुअर गरीब, अर्बन शहरी किड्स बच्चे, अनिल भी अन्य गरीब शहरी बच्चों के समान था, ड्रॉप्ड आउट, ड्रॉप्ड आउट मीन्स छोड़ना, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग, जो कुछ साल प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद अपना पढ़ाई छोड़ दिए थे। ऐसे ही अनिल भी दूसरे गरीब शहरी छात्र के समान था। ठीक है। जो प्राइमरी स्कूल में कुछ साल पढ़ाई किए उसके बाद छोड़ दिए। ईयर्स लेटर वर्षों बाद, कई वर्षों बाद, व्हेन जब ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ हाउसकीपर इन अ बैंक, कई वर्षों बाद जब वो बैंक में हाउसकीपर, देखभाल करने वाला व्यक्ति, ठीक है, जब वो हाउसकीपर का काम करना शुरू किया, ही रियलाइज, तब उसे रियलाइज हुआ, महसूस हुआ, हिज मिस्टेक उसका गलती, ठीक है, जब वो हाउसकीपर का काम कर रहा था तब उसे अपने गलती का एहसास हुआ कि उसने पढ़ाई छोड़ दी। I didn't know how to read or write and couldn't even sign my name, says Anil, who enrolled at a 9-night school last year because of Ashok Rathod, his neighbor, who plays football with him thrice a week. It doesn't matter that I am only in class 5 and 22 years old, says Anil. देखो यहाँ क्या कह रहा, I didn't know, मैं नहीं जानता, how to read, कैसे पढ़ते हैं, और write, और कैसे लिखते हैं,
एंड कुडंट इवन साइन माय नेम, और मैं अपना नाम का हस्ताक्षर भी नहीं कर सकता, सेज अनिल। अनिल कहता है कि मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, और यहाँ तक कि मैं अपना नाम का हस्ताक्षर भी नहीं कर सकता। हु इनरोल्ड एट, हु मीन्स जो, इनरोल्ड मीन्स पंजीयन कराना, एट अ नाइट स्कूल रात में चलने वाला स्कूल, लास्ट ईयर पिछले साल, बिकॉज क्योंकि ऑफ अशोक राठौर, जो अशोक राठौर है, हिज नेबर उसका पड़ोसी, अनिल का पड़ोसी अशोक राठौर, हु प्लेज खेलता है, वो क्या खेलता है, फुटबॉल, विथ हीम थ्राइस अ वीक, सप्ताह में तीन दिन, ठीक है, सप्ताह में तीन दिन अशोक राठौर अनिल चौहान के साथ फुटबॉल खेलता है, ठीक है। उसी ने क्या करवाया था, रात में चलने वाले विद्यालय में उसका दाखिला करवाया था, ठीक है। इट डजेंट मैटर दैट आई एम ओनली इन क्लास 5 एंड 22 ईयर्स ओल्ड, सेज अनिल। अनिल कहता है कि इट डजेंट मैटर, यह कोई मैटर नहीं है, कोई बात नहीं है कि आई एम ओनली इन क्लास 5, मैं क्लास 5 कक्षा 5 में हूँ, एंड 22 ईयर्स ओल्ड, और मेरी उम्र कितनी है, 22 वर्ष, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं केवल कक्षा 5 में हूँ और 22 वर्ष का हूँ, अनिल ऐसा कहता है, ठीक है। जो अभी क्या है, एक हाउसकीपर, प्राइमरी स्कूल में कुछ साल पढ़ने के बाद वो अपना स्कूल छोड़ चुका था, और जब वो फुटबॉल खेलता था तब फुटबॉल में जब खेलने वाला उसका एक साथी मिला अशोक राठौर, उसने क्या कराया था, नाइट में चलने वाले स्कूल, रात में चलने वाले विद्यालय में उसका भी दाखिला करवाया था, ठीक है। आगे देखिए, मैनी ऑफ द अदर प्लेयर्स टू went back to school because of Ashok, who started these football sessions 5 years ago. Many of the other players too. कई अन्य खिलाड़ी भी उसमें थे. went back to school because Ashok क्योंकि अशोक के कारण ही गए. बहुत से खिलाड़ी ऐसे थे उसमें, और वे सभी अशोक के कारण ही विद्यालय गए थे. हु स्टार्टेड दिस फुटबॉल सेशन 5 years ago, जिसने 5 वर्ष पहले, हु स्टार्टेड जिसने स्टार्ट किया था दिस फुटबॉल सेशन, इस फुटबॉल के सत्र को, 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले ये फुटबॉल का अपना सेशन स्टार्ट किया था, और उसमें खेलने वाले जो बच्चे आते थे, लड़के आते थे, जो पढ़ाई छोड़ चुके थे, उन सभी को वो क्या करता था, विद्यालय में फिर से दोबारा भेजता था, इसलिए वहाँ अनिल चौहान के अलावा और अन्य खिलाड़ी भी थे. व्हेन अशोक वाज अ चाइल्ड, जब अशोक चाइल्ड बच्चा था, हिज फादर उसके पिता शंकर राठौर, अ फिशरमैन एक मछुआरा, जो क्या थे, एक मछुआरे, रिग्रेट मीन्स दुखी होना, वे दुखी थे दैट कि हिज डॉटर उनकी पुत्री एंड ओल्डर सन और बड़ा पुत्र हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल, जो स्कूल छोड़ दिए थे, ठीक है. वो दुखी थे कि उनकी जो बेटी थी और उनका बड़ा पुत्र दोनों स्कूल छोड़ चुके थे. एट वन पॉइंट, एक बार अशोक भी स्कूल छोड़ना चाहता था, बट हिज फादर इंस्टेड दैट, लेकिन उसके पिता ने इंस्टेड जोर दिया, ठीक है, जोर दिए, जिद किए कि ही कंटिन्यूड मच अगेंस्ट द नेबरहुड नॉर्म, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, पड़ोसी के विरुद्ध वह अपनी पढ़ाई
जारी रखे, कंटिन्यूड मीन्स जारी रखना, क्योंकि वो उनके जो पड़ोसी थे उनके बच्चे भी पढ़ाई छोड़ चुके थे, ठीक है। और अगर पढ़ाई ना करने वाले बच्चे हैं उनके साथ ही वो भी रहने लगे तो उनके साथ उनके संगति का असर ज़रूर होगा। तो इसीलिए उनके पापा अशोक के पापा अशोक को बोले कि पड़ोसी के विरुद्ध उनके बातों को ना सुनकर तुम अपना पढ़ाई जारी रखो। अशोक टॉक्स ऑफ हाउ लिटिल वैल्यू हिज पीयर्स एंड मैनी ऑफ देयर पेरेंट्स प्लेस्ड ऑन एजुकेशन। अशोक टॉक्स, टॉक्स मीन्स कहना बताना, ऑफ हाउ, हाउ मीन्स कैसे कितना, लिटिल वैल्यू, वैल्यू मीन्स आंकलन करना, हिज पीयर्स, पीयर्स साथी, साथियों, एंड मैनी ऑफ देयर पेरेंट्स और उनके बहुत से माता पिता प्लेस्ड ऑन एजुकेशन, शिक्षा का कितना कम आंकलन करते हैं। अशोक बोलता था, वो कहता है कि उसके जो साथी हैं और बहुत से माता पिता शिक्षा का बहुत ही कम आंकलन करते हैं, ठीक है, मतलब वो शिक्षा को कुछ भी नहीं मानते। उनका सोच ये है कि पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। आई सॉ बॉयज रेगुलरली ड्रॉप आउट ऑफ अवर म्यूनिसिपल स्कूल, रिकॉल्स अशोक। आई सॉ, मैंने देखा बॉयज़ लड़कों को रेगुलरली नियमित रूप से ड्रॉप आउट छोड़ते हुए ऑफ अवर म्यूनिसिपल स्कूल, हमारा म्यूनिसिपल स्कूल को छोड़ते हुए मैंने लड़कों को नियमित रूप से देखा है, ठीक है। रिकॉल्स अशोक, रिकॉल्स मीन्स याद करना, स्मरण करना। अशोक स्मरण करते हुए कहते हैं कि मैंने अपने म्यूनिसिपल स्कूल में देखा है कि कितने बच्चे, कितने छात्र स्कूल से भागते थे। सम लेफ्ट ड्यूरिंग अ मॉर्निंग इंटरवल एंड नेवर रिटर्न। सम कुछ लेफ्ट छोड़ देते थे ड्यूरिंग अ मॉर्निंग इंटरवल, इंटरवल मीन्स मध्यांतर, ठीक है। कुछ जो बच्चे होते थे वो सुबह के मध्यांतर में ही चले जाते थे एंड नेवर रिटर्न और वे वापस नहीं आते थे। एज फॉर द गर्ल्स, लड़कियों की बात करें तो अ गुड मैनी डोंट अटेंड स्कूल एनीवे। लड़कियों की बात है तो लड़कियां तो स्कूल ही नहीं आती थीं, बहुत सी लड़कियां ऐसी थीं कि वो स्कूल ही अटेंड नहीं करती थीं। द ड्रॉप्ड आउट बॉयज, ड्रॉप्ड आउट बॉयज भागे हुए लड़के, यूज्ड टू हैंग आउट एट द नियर बाई ससुन डॉक्स, मुंबई बिगेस्ट फिश मार्केट। जो भागे हुए लड़के थे वो पास के ससुन डॉक्स में जाते थे, मुंबई का सबसे बड़ा फिश मार्केट, मछली बाजार, ठीक है। जो भागे हुए लड़के होते थे वो कहाँ जाते थे, मुंबई के सबसे बड़े मछली बाजार में। दे डिड स्टील और पिकअप फिश दैट हैड फॉलन फ्रॉम बास्केट्स टू सेल एंड मेक इजी मनी। और वे क्या करते थे, स्टील, चोरी करते थे, और पिकअप और उठाते थे फिश, क्या चीज़ को, मछलियों को। दैट हैड फॉलन फ्रॉम बास्केट, फॉलन मीन्स गिरा हुआ, बास्केट टोकरी, वहाँ टोकरी से नीचे गिरे हुए मछलियों को चोरी करते थे या फिर उसे उठा लेते थे। टू सेल और बेचते थे, एंड मेक इजी मनी और आसानी से पैसे कमाते थे। स्कूल से जो बच्चे भागते थे वो बच्चे कहाँ जाते थे, पास के ससुन डॉक्स, मुंबई का जो सबसे बड़ा फिश मार्केट है, वहाँ टोकरी से मछली गिरता था, उसको चोरी करते थे और उसको बेचते थे और बेचकर आसानी से पैसे कमाते थे। एंड वेन एवर और हाव एवर दे ब्राउट इन सम कैश, अशोक एक्सप्लेन्स, द पेरेंट्स कंसिडर्ड इट क्लेवर। एंड वेन एवर और जब कभी और हाव एवर जैसे तैसे दे ब्राउट इन सम कैश, वे कुछ कैश, कुछ पैसे लेकर घर आते थे, अशोक एक्सप्लेन्स, अशोक बताते हैं कि द पेरेंट्स,
जो माता पिता होते थे कंसिडर्ड मानते थे इट क्लेवर, उनको चालाक, ठीक है, जो माता पिता होते थे वे उनकी चालाकी समझते थे कि हमारे बच्चे इतने चालाक हैं कि पैसा कमाकर घर लाए। रॉस, बेकार की बात है, गलत बात है। अशोक वॉच्ड मैनी ऑफ दोज बॉयज स्क्वैंडर दिस इल गॉटन प्रॉफिट्स ऑन ड्रिंक सिगरेट्स एंड गैम्बलिंग। रॉस, गलत बात है। अशोक वॉच्ड मीन्स देखना, अशोक ने देखा। मैनी ऑफ दोज बॉयज, उनमें से कई लड़कों को स्क्वैंडर मीन्स व्यर्थ खर्च करना, बेकार की चीज़ों में पैसा खर्च करना। दिस इल गॉटन मीन्स गलत तरीके से कमाए हुए प्रॉफिट, लाभ या पैसा कमाना। ऑन ड्रिंक, जो गलत तरीके से वे पैसा कमाते थे उसको क्या चीज़ में खर्च करते थे, ड्रिंक शराब पीने में, सिगरेट धूम्रपान, ठीक है, सिगरेट पीने में एंड गैम्बलिंग और जुआ खेलने में। अशोक ने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा जो ऐसे गलत तरीके से पैसे कमा कर लाते थे, वो पैसे को शराब पीने में, सिगरेट पीने में या फिर जुआ खेलने में खर्च करते थे। इन 2006 में आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल पूर्ण करने के बाद अशोक गॉट अ जॉब विथ मैजिक बस अ मुंबई एनजीओ, मुंबई के एनजीओ में मैजिक बस में नौकरी करने के लिए अशोक को एक जॉब मिल गई विच सेंट हिम टू द सिटीज पुअरर विच, जहाँ से सेंट मीन्स भेजे जाते थे, हिम उसे टू द सिटीज पुअरर शहर के गरीब पुअरर एरियाज टू मेंटर चिल्ड्रन, जहाँ से उसको भेजे जाते थे, कहाँ, शहर के जो खराब या गरीब बस्तियाँ हैं वहाँ बच्चों को सलाह देने के लिए, ठीक है, एक मेंटोर के रूप में, एक गुरु के रूप में उनको मैजिक बस के द्वारा भेजे जाते थे। दैट्स हाउ ही रियलाइज्ड दैट टीम स्पोर्ट्स पर्टिकुलरली फुटबॉल फोर्ज्ड फ्रेंडशिप एंड कॉल फॉर डिसिप्लिन। दैट्स हाउ ही रियलाइज्ड, इसी तरह से उसने महसूस किया या उसे एहसास हुआ दैट की टीम स्पोर्ट्स खेल भावना पर्टिकुलरली विशेष रूप से फुटबॉल फॉर्ज मीन्स गलत फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती, गलत दोस्ती एंड कॉल फॉर डिसिप्लिन और इसे अनुशासन कहा। इस तरह से उन्हें यह महसूस हुआ किसको, अशोक राठौर को, कि खेल भावना खासकर या विशेष रूप से फुटबॉल है वो उसमें क्या है, गलत दोस्ती और इसे अनुशासन कहा, ठीक है। इट ऑल्सो हैड ओवरऑल अ पॉजिटिव इफेक्ट इन द चिल्ड्रंस लाइफ। ऑल्सो मीन्स भी, ओवरऑल पूरी तरीके से, अ पॉजिटिव इफेक्ट एक सकारात्मक प्रभाव इन द चिल्ड्रंस लाइफ बच्चों के जीवन में, इस खेल से क्या होता है, बच्चों के जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वाई नॉट डू द सेम फॉर द बॉयज इन माई नेबरहुड, ऐसा हमारे पड़ोस के बच्चों के लिए क्यों नहीं, ऐसा हमारे जो सेम बच्चे हैं, हमारे पड़ोस के जो बच्चे हैं उनके लिए क्यों नहीं, अशोक ने यह सोचा, ठीक है, कि फुटबॉल का खेल खेलने से बच्चों के माइंड में एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा तो हमारे पड़ोस के बच्चों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा। फिर क्या हुआ देखो, ही ऑफर टू टीच फुटबॉल टू अ फ्यू बॉयज ही न्यू, ही ऑफर्ड, उन्होंने प्रस्ताव दिया टू टीच फुटबॉल सिखाने का टू अ फ्यू बॉयज,
कुछ बच्चों को ही न्यू जिन्हें वह जानता था। जिन्हें वह जानता था उन्हीं कुछ बच्चों को फुटबॉल सिखाने का प्रस्ताव दिया, ऑफर किया। इन एक्सचेंज और बदले में ही टोल्ड देम उनसे कहा कि टू प्रॉमिस नॉट टू मिस क्लासेस। बदले में उनसे यह प्रॉमिस लिया कि वे कभी भी कक्षा में अनुपस्थित नहीं रहेंगे, वो कभी भी अपना क्लास मिस नहीं करेंगे। ऑन अ संडे इन अक्टूबर 2006, सन 2006 अक्टूबर में रविवार को ही गॉट अ बॉल, उसे एक गेंद मिला, बॉल मीन्स गेंद, एंड इनवाइटेड और आमंत्रित किया द किड्स टू प्ले, और तब उसने सभी बच्चों को खेलने के लिए आमंत्रित किया। 18 बॉयज टर्नड अप, 18 बच्चे आए। अशोक कॉल्ड हिज ग्रुप, अशोक ने अपने ग्रुप को कहा ऑस्कर, OSCAR, अशोक ने अपने ग्रुप को ऑस्कर नाम दिया, और या ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल चेंज अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अवेयरनेस मीन्स जागरूक या सतर्कता, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन, जिम्मेदारी और जागरूक सामाजिक परिवर्तन का एक संगठन, ठीक है। उसने अपने ग्रुप का नाम दिया ऑस्कर, और फिर वो अब फुटबॉल सिखाना स्टार्ट किया। देखिए आगे, अशोक हु लर्न अबाउट फुटबॉल एट मैजिक बस, अशोक जिसने लर्न सिखाया अबाउट फुटबॉल, फुटबॉल के बारे में एट मैजिक बस, सॉरी, अशोक हु लर्न जिसने सीखा था अबाउट फुटबॉल, फुटबॉल के बारे में एट मैजिक बस में, ठीक है, मैजिक बस से सीखा था फुटबॉल के बारे में। बिगन टीचिंग देम, उनको टीच करना, उनको सिखाना शुरू किया। द इंट्रिकेसिस ऑफ द गेम, गेम में, खेल में जो जटिलताएं हैं, इंट्रिकेसिस मीन जटिलताएं, जो कठिनाई है उसे वो बताना शुरू किया। इन बिटवीन, बीच में, उसी बीच, ही डिड ऑल्सो स्लिप इन स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड फ्रेंड्स, और इसी स्टोरी में वो क्या, अपने बचपन के फ्रेंड जो थे, बचपन के दोस्त थे, उनकी कहानियों में कभी कभी खो जाता था। वो फुटबॉल के बारे में बताते बताते वो कहाँ चला जाता था, अपने बचपन के दोस्तों के बारे में बताना शुरू कर देता था। हु डिड ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल, जिन्होंने ना स्कूल छोड़ दिया था, उसके जो बचपन के फ्रेंड्स थे जो स्कूल छोड़ दिए थे उनके बारे में बताता था। इफ़ यू वांट अ फ्यूचर, यदि तुम्हें एक भविष्य बनाना है, तुम्हें भविष्य, अच्छा भविष्य चाहिए, यू हैव गॉट अ स्टडी, तुम्हें स्टडी करना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ही अर्ज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, अर्ज्ड मीन्स जोर देना या बार बार बोलना, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार बोलना। व्हेन दे मेड टू प्ले ऑन वीकेंड्स, वीकेंड्स मीन्स सप्ताह के अंत में, सप्ताह के अंत में जब भी वे खेलने के लिए मिलते तो वह इस बात पर जोर देता था कि स्टे इन स्कूल, स्कूल में पढ़ो, आई डोंट वांट यू टू एंड अप लाइक देम, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता यू टू इन, तुम्हारा भी अंत हो, अप लाइक देम, उन बच्चों के समान जो मेरे दोस्त थे बचपन में जो अपना पढ़ाई छोड़ दिए, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भी उनके जैसा ही अंत हो, इसलिए तुम भी पढ़ाई करो, स्कूल में रहो और स्कूल में पढ़ाई करो, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही तक पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चे। यहाँ देखिए,
आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये तीन क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, हम जितना तक पढ़े हैं उतना ही ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आप अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद लिखेंगे। ओके बच्चे।